Hello dear students, in this video we will solve exercise 3 of lesson 3, large numbers. Okay, so question number 1, here we have to put comma according to Indian place value chart. Okay, we have to put comma, we have to rewrite these numbers using comma according to Indian place value chart. Okay, so let us see what is that. So children, this is Indian place value chart which is given in your book in lesson number 3. And this chart, we see this chart from right to left. Okay, we see this chart from right to left. So in this chart, first three place makes once period, then next two place 1000 period, then next two place makes lakh period, and then next two period makes crore period. You can see once, in which 1, 10, 100 comes under once period, then 10,000 and 1000. 1000 and 10,000 comes under 1000 period, lakh and 10 lakh comes under lakhs period, and crore and 10 crore comes under crores period. And this chart is very important, you must learn it. So children, agar aapko place value chart learn ho gaya hai to aap bahut easily question 1 solve kar sakte hain. Theek hai, chaliye solve karte hain. 6, 2, 3, 9, 7, 4. We have to put comma, okay? According to the Indian place value chart. So, 4 is at ones place, ones, then tens, then 100, okay? Ones, tens and hundreds comes under ones period, okay? So, we have to put here comma. ठीक है, हम लोग इसको लेफ्ट राइट से लेफ्ट देखेंगे. ठीक है, राइट से लेफ्ट देखेंगे और वंस पीरियड के बाद हमको कॉमा लगाना है. यानी कि वंस पीरियड में क्या क्या आता है, वंस टेंस हंड्रेड. वंस टेंस हंड्रेड वंस पीरियड में आता है तो हमको उसके बाद कॉमा लगाना है. ठीक है, उसके बाद हमको थाउजेंड पीरियड के बाद कॉमा लगाना है. तो थाउजेंड पीरियड में क्या आता है, टेन थाउजेंड, थाउजेंड, देन टेन थाउजेंड. ओके, थाउजेंड पीरियड में क्या आता है, थाउजेंड, देन टेन थाउजेंड. ओके, तो हमको इसके बाद फिर कॉमा लगाना है. तो हम इसको क्या रीड करेंगे, करिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख. ओके, तो सिक्स लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फोर. ओके, ऐसे ही सेकेंड देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड. ठीक है, ये वंस पीरियड हो गया. हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ देखेंगे. फिर थाउजेंड, टेन थाउजेंड हो गया. तो हम इसको क्या रीड करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख, मीन्स 37,68,954. ओके, वैसे इसको देखते हैं, थ्री नंबर्स के बाद हमको कॉमा लगा देना है, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा लगा देना है, फिर यहाँ पे और टू नंबर है उसके बाद कॉमा लगा देना है. ठीक है, तो ये हो गया वंस पीरियड में, ये थाउजेंड पीरियड में हो गया, और ये लैक पीरियड में हो गया, है ना. तो ये क्या होगा, 5,26,73,894. ठीक है, वैसे इसको करते हैं, थ्री नंबर्स के बाद कॉमा, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा, फिर टू नंबर के बाद कॉमा. ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये है वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड एंड करोड़ पीरियड. तो 43,06,15,029. ओके, इसको करते हैं फिर से, राइट से लेफ्ट जाएंगे, थ्री नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा लगाना है ना. तो
हो गया वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड और करोड़ पीरियड. तो 68 करोड़ 10,08,546. ओके, इसको भी वैसे ही करेंगे. थ्री नंबर्स के बाद कॉमा, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा, फिर टू नंबर्स के बाद कॉमा, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, फिर से वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड और करोड़ पीरियड. तो 70 करोड़ 50 लाख 38. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू. इन क्वेश्चन नंबर टू यू हैव टू राइट द नंबर्स इन वर्ड्स. ओके, लाइक हियर वन एग्जांपल आई हैव रिटन. सो हाउ यू विल राइट, फर्स्ट यू मस्ट नो हाउ टू रीड द नंबर. कैसे नंबर को पढ़ते हैं ये आप लोग जब जानेंगे तो उसे आप लिख सकेंगे. ठीक है, तो कैसे पढ़ते हैं, जैसा इसमें हमने देखा था फर्स्ट नंबर में वैसे ही है. 507 कम्स अंडर वंस पीरियड. ओके, 10 कम्स अंडर थाउजेंड्स पीरियड एंड द 74 कम्स अंडर लैक्स पीरियड. तो क्या हम इसको पढ़ेंगे, 74,10,507. वही मैंने लिखा है 74,10,507. ओके, द सेम वे दिस 302 वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड. ओके, सो 39,302. ओके, बट यू विल राइट 39,302. सेम थिंग, दिस इज वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड एंड लैक पीरियड एंड करोड़ पीरियड. सो 2,41,05,063. ओके, देन दिस वंस, थाउजेंड, लैक, करोड़. सो 10,53,000. ओके, 10,53,109. ओके, दिस वन वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड, करोड़ पीरियड. सो यू व्हाट यू विल राइट, 22,07,08,518. इन दिस वे यू कैन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री. हियर यू विल राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स. ओके, फिगर में लिखना है, यानी कि जैसा आप लोग देख रहे हैं मैं पेंसिल से लिखी हूँ वैसा लिखना है आप लोगों को. ठीक है, वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको फिगर में लिखना है. तो फर्स्ट नंबर 92,05,055. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 92 लाख मीन्स यू विल राइट 92, देन आफ्टर दैट पुट कॉमा, 5,000 लिखा है ना. लाख के बाद थाउजेंड वाला पीरियड आता है हमारा, तो थाउजेंड पीरियड में आप लोगों को याद होगा प्लेस वैल्यू चार्ट में दो नंबर्स होते हैं. ठीक है, एक थाउजेंड होता है, एक 10,000 होता है. तो यहाँ पे लिखा है 5,000, तो एक ही नंबर लिखा है, तो हमको क्या करना है, 5 लिखना है और उसके पहले एक ज़ीरो लगा देना है. ठीक है, वैसे ही आप हर जगह करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद 55 बोला है, और आपको पता है वंस पीरियड में तीन नंबर आते हैं. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे 55 सिर्फ दो ही नंबर बोल रहा है, तो हमको क्या करना होगा, 55 लिख के उसके पहले एक जीरो लगा देना होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज 6,65,20,716. तो यू विल राइट 6 करोड़ 6, देन आफ्टर दैट पुट कॉमा, 65 लाख, 65 लिखेंगे, देन पुट कॉमा, देन 20,000, 20 यू विल राइट, देन पुट कॉमा, देन 716. ओके, सी नंबर, 9,19,09,990. ओके, सो हाउ यू विल राइट दिस, 9 देन पुट कॉमा, देन 19. ओके, 19,19 लिखेंगे, देन अगेन यू विल पुट कॉमा, देन 9,000 बोल रहा है, यानी कि 1,000 में टू प्लेस होते हैं 1,000 पीरियड में,
तो इसलिए आप लोग नाइन के पहले एक ज़ीरो लगाएंगे, तो 09 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 990, है ना, 990 लिखेंगे, ठीक है। देन डी नंबर 12,10,365, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 12, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 10 लाख, ओके, 10 लाख यानी कि 10 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 365 बोल रहा है, और यहाँ पे 1000 का आपको कुछ दिया नहीं है, तो यानी कि आपको क्या करना है, 1000 वाले प्लेस में 20 लगा देने हैं, तो 20 लगा के फिर आप 365 लिखेंगे, 365, ठीक है। ई नंबर 5,42,109, तो यहाँ पे कैसे लिखना है, 5 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, 42,000। अब देखिए यहाँ पे क्या मिसिंग है, लैक मिसिंग है, तो आपको लैक के जगह में कोई नंबर नहीं दिया, इसीलिए आपको 5,05 लिखने के बाद कॉमा लगाने के बाद फिर 20 लगा देंगे लैक के लिए, क्योंकि लैक के पीरियड में भी 2 नंबर होते हैं, तो इसीलिए 20 लगाएंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 42,000 लिखेंगे, यानी कि 42 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 109 यानी कि 109 लिखेंगे। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे।